ओम सतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। वैयक्तिक पारिवारिक धार्मिक आध्यात्मिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक संघर्ष को एक शब्द में कहा जाए तो वो ये है कि जो मैं कह रहा हूँ वो सत्य है, मेरा सत्य, इसके ऊपर पूरी दुनिया का संघर्ष चल रहा है। ये सत्य है, ये झूठ है, ये सही है, ये गलत है, ये न्यायपूर्ण है या अन्यायपूर्ण है, ये जस्टिसफुल है या इनजस्टिसफुल है। और सत्य कभी मेरा या दूसरे का नहीं होता है, सत्य सत्य होता है। सत्य के निर्णय करने की प्रक्रिया हमारे पूर्वज ऋषियों ने हमें दी। महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। सत्य के निर्णय करने की प्रक्रिया हमें मुख्यतः न्याय दर्शन में मिलती है। यूं तो सारे ही शास्त्र हमें सत्य का बोध कराते हैं और इस न्याय दर्शन की उस सत्य के निर्णय करने की प्रक्रिया को पंचावियों के माध्यम से मुख्यतः हम लोग जानते हैं, जिसको प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनयन और निगमन के रूप में श्रद्धेय आचार्य श्री सत्यजीत जी ने आप लोगों को न्याय दर्शन के अध्ययन के दरमियान बताया। आज जैसे हमारे प्राचीन काल में परंपरा चला करती थी शास्त्रार्थ की, तो उसका आयोजन हो रहा है और विगत लगभग 5 माह में यह न्याय दर्शन के पठन पाठन की प्रक्रिया पूरी हुई है। श्रद्धाचार्य क्षीण बहुत करुणापूर्वक, बहुत ही गरिमा के साथ अपनी उसी ऋषि जैन परंपरा के आदर्शों के अनुरूप आपको न्याय दर्शन का अध्ययन कराया। आपने कृतज्ञता पूर्वक अध्ययन किया और उसकी परीक्षा भी ली गई। परीक्षा का तात्पर्य यह होता है कि हमारा पुरुषार्थ जागृत रहे, ज्ञान हमारे भीतर प्रतिष्ठित हो। और आज का भी जो यहाँ पर संवाद रखा है, इसमें यह नहीं है कि कोई पक्ष या विपक्ष, वो पक्ष वाले उसी बात को मानते हैं ऐसा नहीं है, या विपक्ष वाले उस बात, उनका ये सिद्धांत नहीं है, ये एक वाद का तरीका है। माने सिद्धांततः इनकी मान्यता वो नहीं होगी, लेकिन कोई भी संदर्भ में जब संवाद करते हैं तो प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, यह एक विषय होगा यहाँ पर। क्योंकि जीवन में हम जिसको जीते हैं वो एक अलग विषय होता है। यहाँ पर ऐसे बिंदु रखे जाएंगे और उन बिंदुओं के ऊपर यहाँ पर वाद किया जाएगा, लेकिन उसका तात्पर्य यह नहीं होगा कि हम इसको मानते हैं या इसको ये नहीं मानते हैं, लेकिन एक मान्यता को आधार बना करके, एक प्रतिज्ञा को आधार बना करके कैसे शास्त्रार्थ होता है, यह यहाँ आज देखने को मिलेगा। और नैपुण्य इसी में होता है कि हमारा यदि वो सिद्धांत पक्ष नहीं भी है एक तो होता है कि हम उसको मानते हैं जीवन में, एक अब सभा में तो वही सिद्धांत पक्ष माना जाएगा, जब संवाद होगा तो वाद होगा तब, लेकिन हमारे जीवन में, हमारी साधना में, हमारे व्यवहार में हम उसको सिद्धांततः स्वीकार करते हैं, ऐसा इसका तात्पर्य नहीं होगा। और हमें पूरा विश्वास है कि व्यक्ति को जो भी पक्ष रखे वो तो उसको सारे प्रमाणों आदि से वैसे ही पुष्ट करे, चाहे उसका वो सिद्धांत नहीं भी है, लेकिन उसने यदि ये पक्ष लिया है कि मैं इसको सिद्ध करूंगा, तो उसको उसी प्रामाणिकता से सिद्ध करने का पुरुषार्थ करना चाहिए जैसा कि वो अपने व्यवहारिक जीवन में भी उसको
सिद्धांत के रूप में ही स्वीकार करता है, दिखना प्रतीत ऐसा ही होना चाहिए, तो ही जो है वो वाद आगे बढ़ेगा। और इस संदर्भ में क्योंकि श्रद्धेय आचार्य श्री ने बहुत पुरुषार्थ किया है और आज आपको थोड़ा संकेत करके, और हमने ये प्रक्रिया इसलिए भी थोड़ा इस रूप में रखी है कि देश के लाखों करोड़ों लोग भी अपनी इस प्राचीन परंपरा से अवगत हो सके कि सत्य के निर्णय तक पहुंचने की प्रक्रिया क्या होती थी। और यह मात्र जो यहां आज संदर्भ रखा जाएगा, जो बिंदु रखा जाएगा, जो विषय यहां प्रस्तुत किया जाएगा, वह तो एक पक्ष है। ऐसे ही पूरी दुनिया में हम देखते हैं विकास का मॉडल क्या होना चाहिए, इसके ऊपर पूरी दुनिया में बहस चलती है। एग्रीकल्चर का मॉडल क्या होना चाहिए, सही और गलत, मैंने कहा ना ये सही है ये गलत है, ये जस्टिसफुल है ये इनजस्टिसफुल है, इसी को लेकर के ही पूरी दुनिया में समूह बने हुए, और पूरे के पूरे कुछ पहले व्यक्ति, फिर उनके पीछे समूह, फिर पूरे देश खड़े हो जाते हैं कि नहीं यही सही है। तो इसलिए मैंने प्रारंभ में उन बातों को कहा कि सामाजिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, धार्मिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, और जो है छोटी छोटी बातों में यही तो संघर्ष होता है। खान पान से लेकर के, दिनचर्या से लेकर के, सही और गलत का ही संघर्ष चलता रहता। तो हम वास्तव में सही निर्णय पर पहुंचे, हमारा जो निर्णय है यदि वो सत्य पर आधारित है, न्याय पर आधारित है, तो निश्चित रूप से उससे हमारा और समष्टि का बहुत कल्याण होगा। श्रद्धेय आचार्य श्री आगे की इस प्रक्रिया को प्रारंभ करवाएंगे। ओ, हम सबके आदरणीय स्वामी जी महाराज और यहां उपस्थित न्याय दर्शन के विद्यार्थीगण, अन्य ब्रह्मचारीगण, तो पिछले लगभग 5.5-6 महीने से न्याय दर्शन का अध्ययन ब्रह्मचारी कर रहे हैं। वो हो चुका है कि परीक्षाएं भी हुई हैं, ये उत्तीर्ण और अच्छे अंकों से भी उत्तीर्ण हुए हैं। न्याय दर्शन में सत्य के निर्णय के लिए प्रक्रिया बताई गई है। निर्णय हम अपनी मर्जी से कर लें, मान्यता से कर लें, ये एक बात देखी जाती है, जैसा कि प्राय हम करते हैं। कुछ उसमें प्रमाणों का भी प्रयोग करते हैं, कोई आधार ढूंढते हैं, लेकिन फिर भी हम अपना कुछ मान के चलते हैं। और चूंकि समाज में हम रहते हैं, विभिन्न देश समुदाय रहते हैं, तो केवल अपना अपना मान के नहीं चला जा सकता। हमारा आपस में संपर्क होता है, एक दूसरे को बताना होता है, और कुछ चीजों में एक ही निर्णय होना होता है कि किसके अनुसार चला जाए, किसके अनुसार व्यवस्था बने। ऐसे में सत्य का निर्णय करना आवश्यक होता है, और सत्य हमेशा प्रमाणों से ही प्रमाणित किया जाए, तभी अधिकतम स्वीकार्य हो सकता है। बिना प्रमाण के वैसे ही कोई अपनी बात को रखे, उसकी स्वीकार्यता कुछ में हो सकती है, सब में नहीं। तो हमारे में अधिक से अधिक स्वीकार्यता हो, परस्पर एक रूपता हो, उसके लिए किसी कसौटी का, प्रमाण का आश्रय लेना आवश्यक होता है। थोड़ा थोड़ा हम ऐसा प्रयोग करते भी हैं, लेकिन इस प्रयोग में हमारे द्वारा बहुत सी त्रुटियां भी होती रहती हैं। हम समझ ही नहीं पाते कि ये कुछ ठीक बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। बोलते ठीक समझ के ही हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि ये उचित है और अनुचित है। तो न्याय दर्शन में इस सारी प्रक्रिया को बताया गया, कहां कहां त्रुटियां हो सकती हैं और ये क्यों त्रुटि है, इसकी जगह क्या होना चाहिए, हम कैसे बात को रखें। तो उसके लिए एक प्रक्रिया तो पंचावयव की है, जो दूसरी दृष्टि से कहें तो तर्क और युक्ति से अपनी बात को रखना है। इसको अनुमान प्रमाण के अंतर्गत माना जाता है। ये भी एक निश्चित निर्णय को दे सके, इसके लिए उसमें बहुत से नियम और व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। तो आज जो शास्त्रार्थ होगा उसमें पहला भाग उसका इन पंचावयवों को लेकर के ही होगा। पंचावयव में सबसे पहले हर पक्ष अपनी प्रतिज्ञा को रखता है कि मैं ये मानता हूं। अगर कोई व्यक्ति अपनी बात को तो ना रखे कि मैं क्या मानता हूं और वैसे ही चर्चा करता रहे,
तो ये उचित नहीं होता है। पहले उसको बताना होता है कि मैं ये मानता हूं, दूसरे पक्ष को भी पता होना चाहिए कि ये मानते हैं, और विपक्ष जो मानता है वो भी अपनी बात रखे, और यदि दोनों में विरोध हो तब तो बात चले। अगर भिन्न भिन्न विषयों में भिन्न भिन्न अलग अलग मंतव्य हैं तो कोई बात ही नहीं होती है। एक कहे कि मेरे को ये फल अच्छा लगता है, दूसरा कहे मेरे को ये फल अच्छा लगता है, अब इसमें कोई शास्त्रार्थ नहीं होगा, ये व्यक्तिगत है, भिन्न भिन्न विषय हैं। लेकिन कोई एक फल रखा हो, कोई कहे कि ये हरा है, कोई कहे कि नहीं ये लाल है, तो अब यहां प्रमाणों की आवश्यकता होती है। तो उसमें दोनों पक्ष अपनी अपनी पहले प्रतिज्ञा रखते हैं, फिर मैंने ऐसा क्यों माना उसका कारण बताते हैं। बातचीत में प्रायः चलता रहता है कि हम अपनी केवल बात रख देते हैं, कारण नहीं बताते कि क्यों मानते हैं। तो जब हम सत्य का निर्णय करने चलते हैं तो हमें उसका आधार बताना होता है, कारण बताना होता है। इसको पंचावयव की प्रक्रिया में दूसरा दिया गया हेतु बताना होता है। तो ये देखेंगे आप, ये अपना अपना हेतु रखेंगे, और प्रतिज्ञा हेतु के बाद में अपनी बात को सिद्ध करने के लिए उनमें संबंध भी बताना होता है, एक नियम बताना होता है जिसको व्याप्ति के नाम से कहा जाता है। ये अलग अवयव नहीं है लेकिन इसके अंतर्गत आता है। और फिर अपनी बात को रखने के लिए कोई ना कोई उदाहरण भी देना होता है कि देखो यहां ऐसा होता है। अगर हम उसका उदाहरण नहीं दे पाते हैं तो बात सिद्ध नहीं होती है। उदाहरण देते हैं और उसके बाद में फिर उपनय करते हैं कि जैसे ये है वैसे ये है। जो उदाहरण दिया उसी की तरह से हम अपने पक्ष के लिए भी रखते हैं कि जैसे उदाहरण में देखा जा रहा है ऐसा यहां पर भी, इसलिए ये ऐसा होना चाहिए, ये हम निगमन करते हैं, निर्णय करते हैं। तो आज जो प्रक्रिया चलेगी ये इनका परीक्षण है, ये परीक्षा है, और पहली बार ये लोग इस तरह से शास्त्रार्थ कर रहे हैं और पढ़ चुके हैं, लेकिन ये इनके प्रयोग के ऊपर देखा जाएगा अब कैसे कैसे क्या क्या प्रयोग करते हैं। तो आज दो पक्ष हैं, ईश्वर न कह के केवल चेतन शब्द लिया गया कि चेतन एक है, वो चेतन आत्मा परमात्मा दोनों में से कोई भी, लेकिन चेतन केवल एक है, ये पक्ष का है विषय है, और चेतन अनेक है ये विपक्ष का, ये प्रतिज्ञा है। ये शीर्षक जो दिए गए हैं पक्ष विपक्ष, ये इनकी प्रतिज्ञा है, और ये विषय इनको दिए गए हैं कि आपको इस बारे में रखना है। अब ये यथासंभव अपने पक्ष को पुष्ट करने के लिए प्रयास करेंगे, और जब एक व्यक्ति अपनी बात को रखता है तो दूसरे को उस पर कुछ टिप्पणी करने का, उसकी गलत बात बताने का, खंडन करने का अवसर दिया जाता है, दूसरे को भी बोलने का अवसर दिया जाता है। तो पक्ष अपनी बात रखेगा, विपक्ष उनके ऊपर कुछ प्रश्न उठेगा वो रखेगा, और अब पक्ष को फिर से अवसर मिलेगा कि जो उस पर आक्षेप या दोष बताया गया उसका वो उद्धार कर सके, उसका निवारण कर सके, और उस प्रक्रिया में कुछ और दो तीन बार और आगे अगर बात चलती है तो वो चलेगी। इसी तरह विपक्ष भी अपना जो पंचावयव प्रस्तुत करेगा तो पक्ष भी उस पर अपने प्रश्न या आक्षेप या खंडन रख सकता है, और इनको उसका निवारण का अवसर मिलेगा। और इस प्रक्रिया को चलते चलते इसमें यदि कहीं किसी से कोई त्रुटि होती है तो दूसरा पक्ष बता सकता है कि ये आपने त्रुटि कर दी है, और त्रुटि मतलब अन्यायपूर्वक कुछ कथन होता है, दोष होता है, वो जो उचित न्यायपूर्वक होता है उसको त्रुटि नहीं माना जाता है। हम ठीक ठीक सत्य तक पहुंच सकें उसके लिए जहां अपनी त्रुटि पता लगी उसमें संशोधन कर लिया जाता है। तो ये जो चर्चाएं होती हैं, शास्त्रार्थ होते हैं, वो तीन तरह से होते हैं। एक होता है वाद, जो कि यहां पर चलेगा, ये वाद कथा। इसमें केवल सत्य को जानना ही लक्ष्य रहता है और उसके लिए उचित नियमों का प्रयोग किया जाता है, जानबूझ करके गलत प्रयोग नहीं किया जाता। यदि भूल से दोष हो जाता है और दूसरा बता देता है, हमें पता लग जाता है, तो उसका संशोधन कर किया जाता है, और किसी ने एक दोष कर दिया इतने मात्र से उसका पक्ष खंडित हो गया ऐसा नहीं मानते, उसको अवसर दिया जाता है, ठीक है आप अपनी त्रुटि सुधार लीजिए, आपको अवसर है, ये दोष पता लग गया, उनको आपने भी स्वीकार कर लिया तो कोई बात नहीं, दूसरे ढंग से कर लीजिए, उसको पूरा अवसर दिया जाता है, रोका नहीं जाता है, इसे कहते हैं वाद। एक दूसरी स्थिति है शास्त्रार्थ की, जिसको न्याय दर्शन में जल्प शब्द से कहा गया,
प्रक्रिया लगभग उसमें भी यही चलती है, लेकिन लक्ष्य रहता है अपनी विजय का और दूसरे को पराजित करने का। सत्य तक ही पहुंचे ये मुख्यता वहां नहीं रहती, ये गौण हो जाता है। बस दूसरे को हराना है और मुझे जीतना है, और हराने का कारण बनता है सामने वाले का दोष। जिसने भी दूसरे का दोष पकड़ लिया और दूसरा उस दोष का कोई निवारण नहीं कर सका, तो इतने मात्र से उसकी पराजय हो गई, क्योंकि वो उसकी अयोग्यता को बताता है। चर्चा अभी बीच में चल रही है, निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन यदि जल्प चल रहा है तो प्रतिपक्षी कह सकता है कि आपने ये दोष किया, ये निग्रह स्थान के नाम से कहा जाता है, ये पराजय का कारण हो गया, और बात वहीं समाप्त कर दी जाती है। इसी तरह से पक्ष भी दूसरे पक्ष के लिए, विपक्ष के लिए कह सकता है। तो जल्प में लगभग ये प्रक्रिया होते हुए भी एक तो लक्ष्य हार जीत का रहता है, ना कि सत्य निर्णय का। ये अनुचित प्रक्रिया है, लेकिन लोक में होता है, और उसमें क्या क्या चीजें होती हैं वो न्याय दर्शनकार ने खोल के बताया उदाहरणों के साथ। दूसरा, जल्प में व्यक्ति चूंकि जय के लिए बातचीत करता है, इसलिए वो गलत तरीकों को जानबूझ के भी प्रयोग करता है, ये मानते हुए कि दूसरा पकड़ नहीं पाएगा, जानबूझ करके भी प्रयोग करता है। वाद में व्यक्ति जानबूझ के गलत प्रयोग नहीं करता है, ईमानदारी से जितना उचित है, जैसी उसकी समझ है वही रखता है। वो गलत हो एक अलग बात है, लेकिन जानबूझ के नहीं करता है। जल्प में जानबूझ करके भी किया जाता है। और इससे एक तीसरी स्थिति और होती है जो सबसे निम्न मानी जाती है, जिसको वितंडा कहते हैं। यह भी शास्त्रार्थ का एक प्रकार है। वाद और जल्प में तो दोनों पक्ष अपनी प्रतिज्ञा को रखते हैं कि हम ऐसा मानते हैं, ये स्थापित करते हैं, प्रक्रिया देते हैं, उसमें कारण आदि बताते हैं। लेकिन वितंडा वो होती है कि कोई व्यक्ति अपना पक्ष नहीं रखता है कि मैं ये मानता हूं, वो केवल सामने वाले पर आक्षेप करता चला जाता है, उसका खंडन करता चला जाता है। और वो अपना पक्ष इसलिए नहीं रखता है ताकि दूसरा मेरे पे कोई आक्षेप ना कर सके, बस वो दूसरों पे आक्षेप करता रहे, अपनी बात नहीं रखता है, इसको वितंडा कहा जाता है। ऐसा भी लोक में बहुत देखा जाता है। तो यहां जो प्रयास है ये वाद का है। यदि किसी कारण से कुछ गलती होती है, वो पकड़ में आएगी, वो बताएंगे, और यही आपस में करेंगे। तो पहली प्रक्रिया हमने की है पंचावयव की, ये पूरी होने के बाद में फिर एक दूसरा अवसर और इसी विषय को लेकर के रहेगा, जिसमें ये अपने पक्ष की पुष्टि में कुछ अधिक बोल सकते हैं। पंचावयव में बिल्कुल निश्चित नपे तुले वाक्य होते हैं, उतना ही बोलना होता है, उससे इधर उधर नहीं जा सकता व्यक्ति। और प्रमाण में केवल ये अनुमान प्रमाण का प्रयोग है पंचावयव में, लेकिन और भी प्रमाण होते हैं। किसी को शब्द प्रमाण देना है, शास्त्र का प्रमाण देना है, वो सब भी दिया जा सके, इसके लिए हम इसकी दूसरी चर्चा करेंगे दूसरे चरण में, जिसमें ये कुछ देर मिलेगी इनको, वो अपना अपना पक्ष रखेंगे, दूसरा भी अपना पक्ष रखेगा, और फिर उनमें आपस में कथन होगा, एक दूसरे का दोष बताना, खंडन करना, निवारण करना। इस बीच में भी यदि कोई छोटे छोटे विषय आते हैं और पंचावयव प्रस्तुत किया जा सकता है तो हो सकता है, उसका निषेध नहीं है, लेकिन मुख्य शब्द प्रमाण से, प्रत्यक्ष प्रमाण से रहेगा, सभी प्रमाणों का प्रयोग उसमें हो सकेगा। और एक व्यक्ति कोई अपनी बात रखता है, दूसरों को अगर वो समझ में नहीं आती है तो वो पूछ सकते हैं इसमें कि इसको थोड़ा और स्पष्ट कीजिए, हमें समझ में नहीं आया। ऐसा तीन बार तक हो सकता है, पहली बार कहा और दो बार और पूछ सकते हैं, और उनके बताने के बाद सबको समझ में आ रहा है, यदि एक पक्ष को समझ में नहीं आ रहा है तो वो उनकी न्यूनता मानी जाती है। तो ऐसे यदि कोई बात समझ में नहीं आई तो पुनः पूछ सकते हैं, और जब उत्तर देना है तो उसके लिए यहां थोड़ा समय रहेगा, हम एक मिनट का समय मान के चलते हैं, तो वो आधा पौना मिनट, 15-20 सेकेंड आपस में विचार करना हो तो कर सकते हैं, थोड़ा सोच सकते हैं। ऐसा नहीं सोचना है कि वो बोल नहीं रहे 30 सेकेंड तक तो वो पराजित हो गए, या उनको उत्तर नहीं सूझ रहा, थोड़ा अवसर दिया जाए ताकि हम उनको बोलने का अवसर है, नहीं तो आप बोल सकते हैं तत्काल, तो तत्काल बोल सकेंगे। तो दोनों पक्षों में एक एक मुखिया निश्चित किए गए हैं, ये पक्ष है, इसमें आचार्य सविता जी वो मुखिया हैं, और मुख्य पक्ष वही रखेंगे, लेकिन इनके पक्ष में और भी कोई व्यक्ति यदि बीच में बोलना चाहे, अचानक कुछ हो तो वो उनको भी बोल सकते हैं, और सीधे यदि वो हाथ खड़ा करते हैं और उपयुक्त स्थिति लगती है तो मैं संकेत कर दूंगा कि ठीक है आप बोलिए। ऐसा ही यहां पर है, यहां पर अरुण जी बीच में बैठे, ये इस पक्ष के मुखिया हैं,
और इन दोनों ने ही उच्च विशिष्ट योग्यता, उच्च प्रथम श्रेणी 75% से अधिक, 80-90 से भी अधिक अंक इन लोगों ने प्राप्त किए हैं लिखित परीक्षा में, अच्छी तरह से किया है, मेहनत की है, और इसलिए इनको भी प्रतिनिधि के रूप में चुना गया और यहां भी बाकी सब बोल सकेंगे। तो इस प्रक्रिया को हम लोग फिर प्रारंभ करेंगे। स्वामी जी तो दोनों का एक बार अभिनंदन कर दीजिए आप, और इनकी मान्यता ना भी हो तो समाज में ऐसी मान्यताएं देखने को मिलती हैं। यदि ऐसा आपके सामने अवसर आए तो आपको कैसे बात करना है वो भी आपको सीखने को मिलेगा। तो सरिता जी अपना पक्ष रख करके बात को शुरू करें, फिर भी पक्ष को अवसर मिले। प्रतीक्षा है, चेतन एक है, हेतु विभू होने से, व्याप्ति जो जो विभू होता है वह वह एक ही होता है। उदाहरण आकाश के समान, उपनय जैसे आकाश विभू है वैसे ही आत्मा भी विभू है, निगमन इसलिए विभू होने से चेतन एक है। ठीक है, इनके पंचावयव में आपको कुछ पूछना हो तो, स्पष्टता नहीं हो तो ठीक है। तो अब विपक्ष अपना पंचावयव रखेगा। अरुण जी आए, वेद मित्र जी रखेंगे। पूज्य स्वामी जी से और आचार्य जी से आज्ञा अगर हो तो मेरा जो पक्ष है उसकी प्रस्तुति आचार्य वेद मित्र जी से करवाना चाहता हूँ, अगर अनुमति हो तो। हमारे अभ्युदय और निश्रेष के लिए प्रयत्नशील रहने वाले परम पूज्य स्वामी जी महाराज, वैसे ही परम पूज्य गुरु जी, परम पूज्य आचार्य जी, हम अपने पंचायत भी स्थापन करते हैं। चेतन अनेक हैं, प्रतिज्ञा चेतन अनेक हैं, हेतु समजातीय द्रव्यों में समसामयिक विजातीयता के प्रकाशन का निमित्त बनने से, व्याप्ति जो जो समजातीय द्रव्यों में समसामयिक विजातीयता के प्रकाशन का निमित्त बनते हैं वे अवश्य अनेक होते हैं। जैसे उदाहरण शीतोष्ण जलयंत्र में लगे हुए हीटर और कूलर दो अनेक हैं। उपनय जैसे शीतोष्ण जलयंत्र में लगे हुए हीटर और कूलर समजातीय द्रव्य जो जल है उसमें समसामयिक विजातीयता अर्थात शीतता और उष्णता के प्रकाशन के निमित्त बनते हैं, वैसे चेतन भी समजातीय द्रव्यों जो अंतकरण है उनमें समसामयिक विजातीयता क्रोध और करुणा के प्रकाशन का निमित्त बनते हैं। निगमन इसीलिए समजातीय द्रव्यों में समसामयिक विजातीयता के प्रकाशन का निमित्त होने से चेतन अनेक है। हेतु में समसामयिक विजातीयता समसामयिक समकालीन एक समय में दोनों विजातीयता होनी चाहिए। विजातीयता को भी स्पष्ट कर देना चाहूंगा, विशेष जाति विजाति यहां हम नहीं लेंगे, विरुद्धम जाति विजाति ये हम ग्रहण करेंगे। जी अच्छी ठीक ठीक है। तो दोनों पक्षों ने अपने अपने पंचावयव रख दिए, अब एक बार और पूछ सकते हैं जी पंचावयव के बारे में स्पष्टीकरण के लिए। तो दोनों के पक्ष आ चुके हैं, अब पक्ष की ओर से इनके पंचावयव पर, विपक्ष के पंचावयव पर जो आक्षेप प्रस्तुत करना है वो किया जा सकता है।
चेतन अनेक हैं, इस पक्ष में आपने जो हेतु प्रस्तुत किया है वह हेतु आपकी प्रतिज्ञा को सिद्ध नहीं करता, अपितु वह तो चेतन एक है इसी पक्ष को सिद्ध करता है। क्योंकि आपने कहा कि जो समजातीय द्रव्य हैं उनमें समसामयिक विजातीयता के प्रकाशन का निमित्त बनते हैं, लेकिन जो समजातीय द्रव्य है वो तो एक है, वो स्वीकार कर चुके हैं आप इसी हेतु में पहले से ही, तो इस हेतु से चेतन एक सिद्ध हो पाएगा और जो अंतःकरण है वो अनेक हो जाएंगे, तो चेतन अनेक है ये इस हेतु से सिद्ध नहीं हो पा रहा। जी, आपको स्पष्ट हो गया है? उत्तर दीजिए। हमारे हेतु निर्भ्रांत है, इसमें कोई कमी नहीं, चेतन के अनेक होने में ये पूर्ण साधक है, और समजातीय द्रव्यों में संभवतः हमने क्या लिया है और क्या ले रही हैं, समसामयिक विजातीयता में आप क्या ले रही हैं, ये अभी आप एक बार बताएंगे तब हम कुछ विचार करेंगे और क्यों गलत है वो एक बार हमको स्पष्ट करिए, क्योंकि आपने हेतु ये तो आपको बताना है कि आप समजातीय द्रव्य और समसामयिक इसमें आप क्या लेना चाहते हैं। उन्होंने अपना पक्ष रखा ही है, आप अपना रखिए और उसमें यदि आपको संशोधन अपेक्षित हो तो रखिए। ठीक, समजातीय द्रव्यों में हम ये लिए हैं कि एक जल यंत्र है जो उष्ण और शीत दोनों प्रकार के जल को देता रहता है दो टूटी से, और उस जलयंत्र के अंदर दो टंकी लगी हुई है जो इसमें भी जल है इसमें भी जल है, दो टंकी समजातीय द्रव्य हो गए, वो दो टंकी में जो दो जल है वो समजातीय द्रव्य हो गए। उन समजातीय द्रव्य अर्थात दो टंकी में समकालिक विजातीयता अर्थात उष्णता और शीतता, इन दोनों को एक साथ उत्पन्न किया जा रहा है ऐसे बिजली फीट, और उन दोनों का उष्णता का और शीतता का इन दो का जो प्रकाशन है प्रकाशन का निमित्त है उसको हम हीटर और कूलर ले रखे, अर्थात हीटर और कूलर दो अन्य अन्य चीज है, और जल यंत्र में लगे हुए जो दो टंकी हैं जो समजातीय द्रव्य हैं उनमें दोनों अपना प्रभाव दिखा रहे हैं। इस प्रकार समजातीय द्रव्य में समकालिक विजातीयता के प्रकाशन का निमित्त बन रहे हैं, और इसको हम चेतन में भी इसी प्रकार घटा सकते हैं। यदि आप घटा के बता दीजिए, चेतन में हम ऐसा घटाते हैं जैसे एक यंत्र में दो जल टंकी लगी हुई है, ऐसे एक यंत्र जो संसार है उस एक संसार में दो जल यंत्र के तरह दो अंतकरण लगे हुए हैं, कई भी हो सकते हैं किंतु हमको तो दो लेकर के हम चल रहे हैं। संसार हो गया यंत्र जल यंत्र के तरह, और उसमें टंकी के तरह दो अंतकरण, और उन अंतकरणों को प्रेरणा करने वाले चेतन भिन्न भिन्न होने के कारण ही वहां विजातीयता जो क्रोध है और करुणा है एक साथ उत्पन्न हो रहे हैं। यदि एक ही द्रव्य होते तो वह द्रव्य जैसे कि हीटर एक साथ गर्म करता हो और ठंडा करता हो ऐसा दिखता नहीं। हीटर करेगा गर्म ही करेगा, कूलर ठंडा करेगा, कूलर गर्म कर दे हीटर ठंडा कर दे एक ही साथ, ऐसा कभी हमने देखा नहीं। इसी प्रकार एक ही चेतन क्रोध को पैदा कर दे और इधर करुणा को भी पैदा कर दे एक साथ, एक जल यंत्र में लगे हुए दो जल के कुंडी की तरह अंतकरण में भिन्न भिन्नता पैदा हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता।